अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जर्नी ऑफ सूफीज़, श्रीनगर से चरार शरीफ तक, जहाँ पर शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, अलमदार कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह का आस्तानी आलिया है। जब हम श्रीनगर से शुरू करेंगे तो हमें रास्ते में आएगा पहले रामबाग, उसके बाद नटीपोरा, उसके बाद छानपोरा, उसके बाद बागी महताब, उसके बाद करालपोरा, उसके बाद गोपालपोरा और उसके बाद वाथोरा का इलाका। हम इस वक्त चल रहे हैं वाथोरा के इलाके में। मौसम भी ठीक था, हमने मुनासिब समझा कि आज हम सब दीदार करेंगे आस्तानी आलिया अलमदारी कश्मीर चरार शरीफ। नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह कोलगाम जिला के जदीद दौर के गांव कायमू में 1377 यानी कि 1377 ईस्वी में सालार और सदरा मौज के यहाँ पैदा हुए। इनके अजदाद किश्तवाड़ से ताल्लुक़ रखते थे। इनके दादा का नाम शेख सलाहुद्दीन था। ये देखिए आप, हम इस वक्त चाडोरा की तरफ चल रहे हैं। ये चाडोरा का बाजार है। ये देखिए चाडोरा का पुल जो कि चरारी शरीफ की तरफ लेके जाएगा हमें। इस पुल को क्रॉस करने के बाद हमें और एक गांव आएगा जिसका नाम है नागम। आप हमारी चैनल को देखिए, हम मेहनत करते हैं, हम आपसे मेहनताना नहीं मांगते, सिर्फ हमारे वीडियो को देखिए। आप घरों में बैठिए, हम आपको ऐसे वलियों के आस्तानी आलिया का दीदार कराएंगे। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए चाडोरा का सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इसी रास्ते से हम आगे जा रहे हैं। ये देखिए आस्तानी आलिया, अब हम नागम पहुंचे, अब हम नागम से ऊपर जा रहे हैं। ये देखिए ये रास्ता जाता है चरारी शरीफ की तरफ। हमारे वीडियो को आप देखा करें और हमें बताएं, हमने पहले भी इस सिलसिले में आपसे बात की है वीडियोस में, आप हमें बताएं कि आपको किस वली कामिल पीर फकीर के आस्तानी आलिया का दीदार करना है। हम खुद ही मेहनत करेंगे, आपसे मेहनताना भी नहीं लेंगे, आपको दीदार कराएंगे और खुद भी फैजियाब होंगे। ये देखिए ये चरार शरीफ के रास्ते हैं, अब हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं। पजर वनक पंजन नटक अपुज वनक लगियो रस, मोहम्मद त्रवित इबलीस रटक सुशी वुछान खटक कस। शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह ने हमें कुरान करीम का तफसीरा कश्मीरी ज़ुबान में करके दिया। ये अशार जो मैंने कहे ये शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह के हैं। अगर सच बोलोगे तो पत्ते की जानिब
हिल जाओगे, झूठ बोलोगे तो एक दरख्त की मानिंद रसदार बन जाओगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को छोड़ के अगर शैतान को पकड़ोगे तो अल्लाह ताला ऊपर देखता है कि आपने क्या किया। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, यहाँ पर हट गवर्नमेंट ने बनाई हुई है। ये देखिए बहुत खूबसूरत रास्ता है। यहाँ पर हमने पहला पड़ाव दिया ताकि हम आपको ये खूबसूरत नज़ारा दिखा सकें। ये देखिए आगे की तरफ हम चल रहे हैं, ये गेट लिखा हुआ है यहाँ पर रोड के ऊपर ये बनाया हुआ है। ये देखिए हमें काफी सुकून आया चलते चलते, धूप भी आज थी। उसका भी हमने मजा लिया। ये देखिए आप, ये देखिए वहाँ का अड्डा है, ये अड्डे से हमने ये वीडियो लिया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये मस्जिद और आस्तानी आलिया की तस्वीर। ये देखिए ये आस्तानी आलिया और उस साइड में मस्जिद शरीफ है, कितनी गुंजान आबादी है यहाँ पर। देखिए दूर से क्या दिखता है। ये हम चल रहे हैं आस्तानी आलिया की तरफ, काफ़ी नज़दीक है। अगर हम पूरा आपको दिखाते श्रीनगर से तो ये एक डेढ़ घंटे का वीडियो बन जाता। लोग तो ये छोटा सा वीडियो भी नहीं देखते। अब हमने कोशिश की कि इसमें कुछ खास खासी वीडियो थोड़ा थोड़ा ही दिखाएं आपको। देखिए ये रास्ता जाता है यूस मर्ग और पखरपोरा की तरफ, और ये रास्ता जाता है सीधा चरार शरीफ की तरफ। ये मेन बाज़ार है चरार शरीफ का। इस वक्त जहर की नमाज का वक्त है, हम इंशाल्लाह पहुंचेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है चार शरीफ का, आस्तानी आलिया और मस्जिद शरीफ। हर एक वली पीर व फकीर के आस्तानी आलिया के साथ मस्जिद शरीफ होती है, ज़रूर होती है। मैंने जितने भी वलियों फकीरों और पीरों के आस्तान देखे वहाँ पर मस्जिद शरीफ ज़रूर देखी है और मौजूद होती है। ये देखिए हम आस्तानी आलिया की पार्किंग में पहुँच रहे हैं। ये देखिए यहाँ का बाज़ार, ये देखिए मस्जिद शरीफ, और ये देखिए हम पहुँच गए चरार शरीफ, दरबार शेख नूरुद्दीन नूरानी अलमदारी कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह। ये आस्तानी आलिया के सामने जो मार्केट है ये वही है। ये देखिए आस्तानी आलिया, केसन कबर छई पोश जन शहरे, केसन कबर छई सियाचा,
कुछ लोगों को मरने के बाद जो कब्र मिलेगी वो ऐसी होगी जैसे उसमें फूल बिछे हुए होंगे, और कुछ लोग मेरी तरह गुनहगार जो होंगे उनकी कब्रें काफ़ी तारीख और तंग होंगी। अल्लाह हमें बचाए कब्र के अजाब से, कब्र की तारीखी से हमें बचाए, हमें मगफिरत करें। ये देखिए आस्तानी आलिया का सहन से हमने ये वीडियो उठाया। अस्सलाम अलैका या हजरत। ये देखिए अंदरून, हम अंदर जा रहे हैं आस्तानी आलिया में। ये देखिए आप अंदरूनी नज़ारा आस्तानी आलिया का, कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। खूबसूरती से सजाया है इसे, देखिए ये इन्हीं वलियों की इज्जत अल्लाह की तरफ से इन्हें मिलती है। कि आज के ज़माने में भी हम इनके आस्थानों को कितना सजाते हैं, देखिए कितनी खूबसूरत जगह है, पुरसकून जगह। यहाँ जो भी मन्नतें लेके आते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। कश्मीर के बड़े आस्तानी आलिया में, बड़े वलियों में शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह है। पुरसकून जगह, आप ज़रूर ये वीडियो पूरी देखें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी सुकून आएगा। अल्लाह हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमें अपने अमान में रखे, हमारी ख़ताएं माफ़ करें इन वलियों के सदके। ये देखिए यहाँ का बाज़ार, ये आस्तानी आलिया के बिल्कुल बाहर ही बाज़ार, यहाँ पर देखिए कितना सजा हुआ, कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये देखिए ये मशहूर टंगहट चार शरीफ की,